हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शोल्डर के दर्द के बारे में और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। शोल्डर का दर्द कम उम्र में यानी कि यंगस्टर्स को और बूढ़े लोगों को दोनों को सताता है। शोल्डर जॉइंट शरीर में सबसे ज्यादा घूमने वाला जॉइंट है और यही वजह है कि इसमें चोट लगना और दर्द होना बहुत कॉमन। शोल्डर जॉइंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जो कि हड्डियों, मांसपेशियों और उनके टेंडन और कुछ लिगामेंट से मिलकर बना हुआ है। शोल्डर के दर्द इनमें से किसी एक चीज़ के खराब हो जाने पर शुरू होता है। हड्डियों के खराब होने को आर्थराइटिस बोलते हैं, मसल्स के फट जाने को रोटेटर कफ टियर बोला जाता है, मसल्स के टेंडन पे सूजन आ जाने को टेंडिनाइटिस कहा जाता है और ओवरऑल शोल्डर में सूजन आने पर और पानी भर जाने को बर्साइटिस बोला जाता है। कुछ खिलाड़ियों में या फिर जिनमें कंधा उतर गया है उनमें लिगामेंट की चोट पाई जाती है। तो कंधे के दर्द का पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए कंधे के दर्द का ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी है कि यह दर्द किस वजह से हो रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपको यंग एज में शोल्डर में इंजरी ना हो। अगर आप कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें शोल्डर का डायरेक्टली इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है तो उस गेम को खेलने से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें। जो लोग जिम जाते हैं और वेट्स उठाते हैं उनको एकदम से बहुत ज़्यादा वेट शोल्डर के ऊपर नहीं उठाना चाहिए, इससे आपके रोटेटर कफ में टियर होने का बहुत ज़्यादा चांस है यानी कि कंधे का मसल फट सकता है। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं और जिसमें आपको हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है तो रेगुलर इंटरवल्स पर आप अपने कंधे की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और पेंडुलम एक्सरसाइज करें जिससे कि शोल्डर के मसल्स की हेल्थ मेंटेन रहे। अगर आपको कंधे का दर्द रहता है और कुछ टाइम से ये ठीक नहीं हो पा रहा है तो अपने नज़दीकी ऑर्थो के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कुछ कंधे की एक्सरसाइजेस जिसको फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं और दवाइयों से दर्द में राहत मिल सकती है। जिन लोगों को एक्सरसाइज और दर्द के बाद भी राहत नहीं मिलती उनमें शोल्डर में एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है जिससे कि शोल्डर के अंदर होने वाली सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया जाता है और दर्द में आराम मिलता है। कंधे के दर्द को नज़रअंदाज करने पर कंधे के अंदर के लिगामेंट और मसल्स के अंदर लगी हुई चोट टाइम के साथ बढ़ सकती है, इसलिए इसका इलाज जितना जल्द हो सके उतना जल्द कराएं। मसल्स के फट जाने पर अगर उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो वह मसल टाइम के साथ ख़राब होती जाती है और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से सूख जाती है और उसका बाद में ऑपरेशन से भी इलाज संभव नहीं हो पाता है। जिन लोगों का कंधा बार बार उतरता है उसमें हड्डियाँ आपस में घिसती रहती हैं और कुछ समय के बाद बहुत ज़्यादा घिस जाने पर दूरबीन द्वारा भी इसका इलाज नहीं किया जाता और ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। ये वीडियो ऐसे किसी के साथ शेयर करें जो कंधे के दर्द से बहुत समय से जूझ रहा है और ऐसी ही बहुत सारी हड्डी और जॉइंट्स से रिलेटेड टिप्स के लिए फॉलो करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें।